तो दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि अन्ना सिंह हमेशा अपने पति और तलाक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और इन दिनों फिर से चर्चा में आई हैं, क्योंकि उनके पति रह चुके यश कुमार मिश्रा दोबारा पिता बन गए हैं। जी हाँ, अन्ना सिंह हमेशा अपने पहले पति को लेकर ही चर्चा में रहती हैं। तो वही अब अन्ना सिंह यश और निधि के बेटे को लेकर बड़ी बात बोल दी है। जी हाँ, और वो क्या, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो अगर आप सब भी जानना चाहते हैं कि अन्ना क्या बोली है, तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आप सभी को हम बता देते हैं अन्ना सिंह क्या बोली है यश और निधि के बेटे को लेकर। तो जब से यश ने दूसरी शादी की है, तब से अन्ना कितनी बार उस पर अपना बयान दे चुकी है। तो अब यश दूसरी बार पिता बन गए हैं, और वो भी अपनी दूसरी पत्नी निधि जा के साथ, और इस बार उनको बेटा हुआ है। तो इस पर अन्ना बड़ी बात बोल दी है। जी हाँ, क्योंकि अन्ना जब से यश से अलग हुई है, तब से वो अपनी बेटी को लेकर अकेले ही पालती हैं और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। और अन्ना कहती है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी काम कर सकती है, क्योंकि उसको किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। और अन्ना यश और निधि के बेटे को लेकर बोली कि जब दूसरी शादी हो गई तो बच्चा तो होगा, ये तो नेचुरल बात है, और मैं भी काफी आगे बढ़ चुकी हूँ। हाँ, मैं दूसरी शादी नहीं की हूँ, पर यश दूसरी शादी कर ली और मैं अब उनको बेटे को लेकर बहुत खुश हूँ। बच्चे को लेकर क्यों कोई दुखी होगा, वो तो भगवान का रूप होते हैं। और मैं निधि को भी बधाई देना चाहूंगी कि वो माँ बन गई है। माँ बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख है, ये मैं जानती हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना यश की शादी से, ना यश के बच्चे से, बस वो सब खुश रहें, जिसको जैसे रहना हो वैसे रहे। तो लीजिए, यही बोल दिया अन्ना सिंह यश और निधि के बेटे को लेकर। तो अब इस पर आप सभी का क्या कहना है, क्या अन्ना सही बोली है, इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।